मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था उसका। ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की चार पत्नियां थीं। उन चार पत्नियों में से वो सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। उस पत्नी को वो कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा सवार कर रखता। वो व्यक्ति उस पत्नी के साथ खूब समय व्यतीत करता, उस पर खूब धन खर्च करता। वो तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वो बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदैव ये भय बना रहता कि तीसरी पत्नी उसे छोड़ करने चली जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। उस व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या आती तो वो सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उसको यही लगता था कि वो उत्तम कोटि की सलाहकार है। वो व्यक्ति चारों पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वो थी उसकी पहली पत्नी। पर पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। वो बहुत ईमानदार थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम के लिए उसे रोकती थी। पर उस व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को ना तो कभी समझा और ना ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा न हुआ। अब व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, कहा, मेरे अंतिम क्षण है ये। मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ जाने से तुम भी बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। वो बहुत दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर था, मुझे आपकी मृत्यु से बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, परंतु फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। अब पहली पत्नी, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया था, वो स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ चलूँगी। आप जहाँ जाओगे मैं सदैव आपका साथ दूँगी। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। जिस पत्नी की उसने सबसे ज़्यादा उपेक्षा की थी, वही पत्नी आज उसके काम आई। दोस्तों, हर इंसान के पास हैं ये चार पत्नियां या चार पति। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसे सजाने और संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं। लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है, पर हमारी मृत्यु के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता, वो किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से भी कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की मोहमाया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं, उसकी आवाज़ को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का सच में ज्ञान देती है। वही है जो हमारे सुख दुख में हमारी साथी होती है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। दोस्तों,
हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, उसी से प्रेम करना है। क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय में चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है, किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी, किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा, किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा। सही कर्म करे बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।